हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का BHU कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ हर्षिता गौतम और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए GK क्वेश्चन सीरीज़ लेकर के आई हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके डिटेल्ड एनालिसिस के साथ उसके आंसर को हम लोग समझेंगे। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर खुद से सही आंसर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विथ हाउ मेनी कंट्रीज़। मतलब कि भारत जो है वो अपनी भूमि सीमा, जो उसका बॉर्डर है, वो कितने अन्य देशों के साथ वो अपनी भूमि से सीमा को साझा करता है। तो एक बात है, हम कहते हैं कि अगर हमें ज्योग्राफी को अच्छे से समझना है तो हमें सबसे पहले भारत को समझना होगा। तो देखिए, हम लोग इस मैप के ज़रिए देखते हैं, ये हमारा इंडिया है। अब इसके अगर बॉर्डर से हम लोग सटा हुआ अन्य देश के को देखें ध्यान से, तो ये देखिए, सबसे पहला एक नंबर हमारा हो गया चाइना, दूसरे नंबर पर यहाँ पाकिस्तान है, इधर ये बांग्लादेश है, इधर ये नेपाल है, फिर यहाँ पे भूटान है, यहाँ म्यांमार भी इधर से सटा हुआ है, और ये अफगानिस्तान, ये छोटे से पार्ट में ये सटा हुआ है। तो कुल अगर हम देखें तो ये 7 देश हमारे भूमि सीमा से सटे हुए हैं। श्रीलंका जो है वो सटा हुआ हमारे देश से नहीं है, उसके बीच में समुद्री रास्ता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ इंडिया डज नॉट फॉल इन द टॉरिड जोन। ठीक है, टॉरिड जोन में, इसमें मतलब कि जो दिया हुआ है टॉरिड जोन में भारत की का कौन सा शहर नहीं आता है। तो उसके लिए हमें पहले समझना होगा कि ये टॉरिड जोन है क्या। चलिए समझते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा अगर अर्थ मान ले हम लोग इसे, तो ये हमारा जो इक्वेटर होता है, जो मिड लाइन से पास होता है, उसके ऊपर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये हमारा सब इमेजिनरी लाइंस है। तो इसके बीच का जो एरिया होता है वो होता है हमारा टॉरिड जोन। ये जो है एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लाइन के शुरू होने से पहले और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर, तो ये वाला एरिया हमारा जो है वो हो जाता है टॉरिड जोन। तो अब अगर हम सोचें कि टॉरिड जोन, अब भारत आता कहाँ है, तो वो इस मैप से हम समझते हैं। ये आ गया हमारा टॉरिड जोन, ये देखिए ये वाला जो एरिया है ये हमारा आ गया टॉरिड जोन। तो ये वाला जो सदर्न पार्ट है वो आता है हमारा टॉरिड जोन में। तो अब इसके हिसाब से हम देखते हैं कि भारत का कौन कौन सा शहर है। पहले चलिए हम ऑप्शन पे विचार करते हैं। हमारा ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, जोधपुर और जयपुर। तो इसे अगर हम एलिमिनेट करते हैं, हटाते हैं, तो टॉरिड जोन में हमारा चेन्नई तो आता ही है क्योंकि वो साउथ में है, मुंबई हमारा आता है महाराष्ट्र में है, वो भी आ जाता है साउथ सदर्न पार्ट। ये अगर हम देखें, अगर ये अगर इंडिया है, ठीक है, ये रफ मैप अगर बनाया जाए, तो अगर ये हमारा इंडिया है तो इधर वाला जो पार्ट है उसमें ये महाराष्ट्र इधर आता है, तमिलनाडु इधर, चेन्नई, तो चेन्नई और मुंबई तो आ गया। अब बचा जोधपुर और जयपुर। तो जोधपुर और जयपुर जो वो यहाँ राजस्थान में आता है उस पर हम लोगों को सोचना है। तो अब हम इस मैप से क्लियर कर लेते हैं, ये है हमारा राजस्थान। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ ऐसे पार होता है वो ऐसे करके, ठीक है, तो वो जोधपुर वाला जो एरिया है वो भी टॉरिड जोन में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, वो टॉरिड जोन में आ जाता है, लेकिन जो जयपुर है वो हमारा टॉरिड जोन में नहीं आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा, टॉरिड जोन में जो शहर नहीं आता है वो आंसर हमारा हो गया क्या, जयपुर। ठीक है, ध्यान से इन सब चीज़ों को याद रखना है। अगर ना समझ में आए तो आप लोग फिर से पीछे से जाके समझ लीजिए, लेकिन समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज़ नॉट इन हिमालयन रेंज। हिमालय श्रृंखला में
नहीं आने वाली पर्वत चोटी कौन सी है। ठीक है, तो हम जानते हैं ये जो अगर हम ऑप्शन पे देखें तो ये कंचनजंगा, नंगा पर्वत और चोयू जो है, ये तीनों जो है वो हिमालयन रेंज में आता है। लेकिन जो ये केटू है, ये जो इसको सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन बोलते हैं, वो किस रेंज से बिलोंग करता है? वो करता है हमारा काराकोरम रेंज से। ये हिमालयन से नहीं बल्कि काराकोरम रेंज से बिलोंग करता है। तो हमारा इस हिसाब से आंसर हो गया K2, जो कि हिमालयन रेंज से नहीं बल्कि काराकोरम रेंज से बिलोंग करता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, ब्लैक पगोड़ा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो मतलब कि ब्लैक पगोड़ा जो है, ब्लैक पगोड़ा वो किस राज्य में स्थित है? तो अगर हम पूछें कि कोणार्क टेम्पल कहाँ है, कोणार्क टेम्पल, तो वो सबको पता होगा कि वो उड़ीसा में है। तो कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में है, तो ये सिंपल ये याद रखने के लिए कि है, ये जो ब्लैक पैगोडा है वो कोणार्क टेम्पल का ही स्पेशल या उसको नाम दिया गया हो, वो उसी का नाम है। तो ब्लैक पैगोडा भी हो जाएगा कहाँ? हमारा उड़ीसा में। तो हमारा आंसर हो गया उड़ीसा। ओके, अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग मैचेस। हमें इन जोड़ों पे ध्यान देना है, ये जो दिए हुए हैं, और इसमें देखना है कि कौन सा जो जोड़ा है वो सही है। तो अगर ये दिया हुआ है, एक तरफ डैम, एक तरफ उस वो जो नदियां हैं उसकी, तो ये जो है मतलब जो बांध है और किस नदी पे बसा हुआ बांध है उस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो अलमटी डैम है वो कृष्णा रिवर पे है, ये सही बात है, ये सही है, वो कृष्णा रिवर पे ही वो बांध बनाया गया। ये पुली चिंतला प्रोजेक्ट या पुली चिंतला बांध जो है वो कहाँ पे है? वो कावेरी में नहीं हो करके वो है कहाँ? हमारा कृष्णा रिवर पे। ठीक है, वो हमारा कृष्णा रिवर पे है पुली चिंतला प्रोजेक्ट, और पोलावरम प्रोजेक्ट हमारा गोदावरी में है। तो हमारा क्या हो गया, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो हम तीस जो दूसरा वाला है वो गलत है। तो सही क्या, ओनली 1 एंड 3, केवल 1 और 3 जो है हमारा उत्तर सही है। समझ में आ गया सबको? अब आगे बढ़ते हैं, हमारा छठा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज आर पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स? ठीक है, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी घाटी का है, पश्चिमी घाट का हिस्सा कौन सा राज्य? ऑप्शन हमारे यहाँ 3 दिया है, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो अगर हम देखें ना, तो क्या है, वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन से स्टेट आते हैं वो हम लोग इस मैप से देखते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा मैप, ये वेस्टर्न, ये वेस्ट साइड है हमारा, तो ये हमारा वेस्ट साइड है, वेस्टर्न घाट इसी को बोलते हैं, ये वाला एरिया। तो इसमें हमारा क्या आया, गुजरात आ गया, हमारा महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, कर्नाटक आता है, केरल आता है, और तमिलनाडु आता है। तो इतने हमारे आते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है सवाल में, वो हमारा क्या क्या है, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो गुजरात और तमिलनाडु तो ठीक है, मगर आंध्र प्रदेश जो है वो हमारा कहाँ आता है, वो ईस्टर्न घाट का पार्ट है, ना कि वेस्टर्न, वो पूर्वी घाटी का है। ठीक है, मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, मतलब कि ये फिर से ये जोड़ों में वाला क्वेश्चन है, जोड़े को देखना है हमें। ये जो है अराकू वैली, ये दिया हुआ है घाटी, पहले इसके पहले हमने डैम का देखा और उसकी नदियाँ, वहाँ पे अब घाटी और उसके राज्य का जोड़ा है। तो जो ये जो अराकू वैली है वो आंध्र प्रदेश है, वो हमारा उत्तर जो है वो सही है। स्पीति घाटी जो है वो भी हमारा हिमाचल प्रदेश सही है, लेकिन ये जो पिन वैली है वो तमिलनाडु में ना हो करके वो भी हिमाचल प्रदेश में ही, हमारा हिमाचल प्रदेश में आता है। ये जो तमिलनाडु दिया हुआ ये गलत है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये और ये सही है। तो इसका मतलब हमारा क्या आंसर, 1 और 2 सही हो गया, थर्ड जो है वो गलत है। तो 1 एंड 2 ओनली हमारा सही हो गया, केवल 1 और 2।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स प्रोड्यूसेस अबाउट 50% ऑफ द टोटल सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया। मतलब रेशम, कुल रेशम, सिल्क होता है ना रेशम, उसका 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। जो कर्नाटक राज्य है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा सिल्क का, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का। और एक बात इसमें, मैसूर जो कि कर्नाटक में आता है, मैसूर और क्या बेंगलुरु, बेंगलुरु भी हमारा कर्नाटक का ही राज्य है। वो जो है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये है सिल्क सिटी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तुम्हारा आंसर हो गया कर्नाटक। ओके, नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा राइजेज इन द हिमालयाज एंड फ्लो साउथ ईस्ट टू मीट द गंगा एट इलाहाबाद। मतलब जो है कि गंगा की सहायक ट्रिब्यूटरी रिवर जो होता है उसको हम लोग सहायक नदी बोलते हैं, जो छोटी छोटी नदियाँ आकर के बड़ी नदियाँ, मगर ये गंगा है तो इधर से मिलने वाली कुछ नदियाँ, ये अगर कुछ है तो वो, ये जो नदियाँ हैं वो होती है सहायक नदी कहलाती है हमारी। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमें सहायक नदी, ऐसी सहायक नदी गंगा की का पहचानना है जो कहाँ से निकलती है, हिमालय से, और दक्षिण पूर्व की ओर होती हुई इलाहाबाद में जाकर के गंगा से मिलती है। इलाहाबाद या प्रयागराज में हम लोग ये जानते हैं कि गंगा, यमुना और सरस्वती का तीनों मिलती है, तो ये तो चलो ठीक है कि यमुना। एक बार हम लोग इसका रिवर्स का रास्ता भी देख लेते हैं। ये देखिए यमुना कहाँ है, ये हिमालय से निकली, ये जाके यहाँ मिली कहाँ, इलाहाबाद में गंगा, ये रिवर जो है ये वाला, ये है गंगा, यहाँ जाके वो मिल गई। ठीक है, वाराणसी में भी गंगा है, बहुत अच्छी घाट है, ऐसी घाट आप लोग सब परिचित होंगे इससे। ठीक है, चलिए तो हमारा उत्तर यहाँ पे क्या हो गया, यमुना। यमुना है ऐसी सहायक नदी है गंगा की जो हिमालय से निकलकर इलाहाबाद में जाके मिलती है। बाकी जो नदियाँ हैं वो कहीं और से, कहीं और मिलती है या कुछ कहीं और से निकलती है। तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया हमारा यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर इज़ द भाखड़ा नांगल डैम ऑफ इंडिया बिल्ट। अब यहाँ पे सवाल है कि भाखड़ा नांगल जो एक बांध है वो किस नदी पर है, किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो अगर हम ये इसको देखें तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा सतलज। सतलज नदी के पे ही भाखड़ा नांगल डैम जो है वो बनाया गया है। तो गंगा पे कौन सा है, गंगा पे हमारा क्या है, तेहरी डैम हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मपुत्रा पे अगर हम इसमें देखें तो इस ब्रह्मपुत्रा रिवर पे एक डैम या बांध बनाया गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये चाइना में है, ये क्या है, जंगमू डैम। ओके, जंगमू डैम। फिर यमुना पे भी बहुत सारे रिवर हैं लेकिन एक लखवार डैम जो है, लखवार, वो यमुना नदी पे बनाया गया एक इम्पॉर्टेंट बांध है। तो हमारा जो सवाल था उसका उत्तर है सतलज, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी के पे बनाया गया है। ओके, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया। राष्ट्र, भारत का राष्ट्रीय जल पशु, अगर राष्ट्र पशु पूछें तो हमें हम सबको पता है वो टाइगर है। ओके, हमारा टाइगर जो है वो राष्ट्र पशु है, लेकिन हमें जल पशु का उत्तर देना है। ठीक है, तो इसका उत्तर है हमारा गंगेटिक डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो सिर्फ गंगा रिवर में पाई जाती है डॉल्फिन्स, इसे, ये ही जो है वो हमारा राष्ट्रीय जल पशु, नेशनल वाटर एनिमल है। और ये गंगा रिवर जो है, गंगा डॉल्फिन जो है वो गंगा की पवित्रता, प्योरिटी को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि जो डॉल्फिन्स होती है वो सिर्फ फ्रेश वाटर में ही रहती है, तो इसीलिए गंगा को, उसकी प्योरिटी या उसकी पवित्रता को दर्शाता है
ये गंगाटिक डॉल्फिन का प्रेजेंस वहाँ पे। ओके चलिए, हमारा 12वां क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ग्लेशियर्स आर लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज। यहाँ पे हमारा बुक कह रहा है कि काराकोरम रेंज में हिमनद, ठीक है, हिमनद ग्लेशियर्स मतलब हिमनद जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो अगर हम देखें ना, तो उसका बहुत सारे लगभग 8 से 10 या उससे ज़्यादा ही हिमनद होंगे जो काराकोरम श्रेणी में आते हैं, जिसमें से सियाचिन, हिस्पोरा, बाल्टोरा, खुर्दोपिन, उसके बाद और देखें तो ससाइनी है, बियाफो है, चोगो है, इस तरह से बहुत सारी जो हमारी ग्लेशियर्स है वो कहाँ पे है, काराकोरम श्रेणी में। तो यहाँ जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से ये जो चारों है वो काराकोरम रेंज या काराकोरम श्रेणी में ही पाए जाते हैं। तो हमारा उत्तर यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट्स रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ थर्मल पावर। मतलब कि थर्मल पावर या जो कह सकते हैं हम लोग ताप विद्युत, ताप मतलब जो हीट से, जो गर्मी से प्रोड्यूस किया जाने वाला थर्मल पावर होता है वो ताप विद्युत, वो सबसे अधिक जो है वो कहाँ पे पैदा होता है, कहाँ उत्पादन होता है, प्रथम स्थान पे आने वाला। तो इसका उत्तर है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे अधिक थर्मल पावर प्रोड्यूस करता है, उसके बाद है हमारा उत्तर प्रदेश, उसके बाद है गुजरात, ठीक है, उसके बाद गुजरात है, इसके बाद है हमारा वेस्ट बंगाल। तो सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर गुजरात और फिर वेस्ट बंगाल। तो ऐसे करके ये चार जो राज्य हैं उनमें थर्मल प्रोडक्शन इस ऑर्डर में किया जाता है। ओके चलिए, 14th क्वेश्चन है हमारा, काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, वो किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे क्वेश्चन शायद पिछले एग्जाम्स में भी हमारे एग्जाम में आए हुए थे। तो ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ किस चीज़ के लिए फेमस है, वो क्या है, वन हॉर्न, एक सिंह वाला गेंडा जो है, वन हॉर्न राइनासोरस, वन हॉर्न हमारा जो राइनासोरस है उसके लिए, एक सिंग वाला गेंडा। और अगर हम देखें कि ये जो लायन है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो वो कहाँ फेमसली, ये गिर नेशनल पार्क में, फिर गुजरात में जो है, फिर अगर क्रोकोडाइल्स का हम देखें तो वो कहाँ, क्रोकोडाइल्स कहाँ पाया जाता है मोस्टली, वो क्या है, भीतरकनिका हमारा नेशनल पार्क है, भीतरकनिका वो वहाँ पे पाया जाता है क्रोकोडाइल्स। और टाइगर्स, टाइगर्स के लिए बहुत सारे, एक फेमस है ये रणथंबोर, रणथंबोर राजस्थान में है, तो ये वहाँ पे पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा। उसके बाद एक कान्हा टाइगर रिजर्व्स है, ठीक है, फिर और भी बहुत सारे हैं, जिम कॉर्बेट है, तो इन सब जगहों पे टाइगर्स पाए जाते हैं। इसका आंसर काजीरंगा वाला हमारा आंसर क्या हो गया, गेंडा। ओके आखिरी क्वेश्चन है 15th, एज पर द सेंसस 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप लोग कि 2011 की जनगणना, जो सेंसस होता है, जो जनगणना, उसके हिसाब से राज्यों की उनकी जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व पे ध्यान दें, का आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर, ये क्रम वाले क्वेश्चंस कुछ ना कुछ रिलेटेड से आते हैं और ये क्रम में हमेशा बच्चे गलत करते हैं क्योंकि उन्हें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर अगर हम कहें ना, तो 1 पहले आएगा, 2 पहले, फिर 3, ऐसा होगा। और अगर हम डिसेंडिंग कहें, डिसेंडिंग या अवरोही क्रम, तो 3 पहले आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो छोटा से बड़ा मतलब कि, तो हो गया असेंडिंग आरोही क्रम, बड़ा से छोटा इसका मतलब अवरोही क्रम। ओके तो यहाँ हमें छोटा से बड़ा मतलब में अरेंज करना है आरोही क्रम में।
और दूसरी बात, यहाँ हमें पॉपुलेशन नहीं बल्कि पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व के बारे में जानना है। तो जनसंख्या तो होती है कि एक पूरे राज्य में या कहीं एक पूरे क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, वो उसकी जनसंख्या है। जैसे हम कहते हैं कि भारत की जनसंख्या 135 से 140 करोड़ है, तो वो हमारी जनसंख्या है। लेकिन अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहने वाला जितने लोग हैं वो होता है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब एक अगर हम कहें कि किसी जगह की जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक है, इसका मतलब है कि वो छोटे से घर में बहुत सारे लोग रहते हैं। ओके, छोटे से ही एरिया में। तो इस हिसाब से अगर हम आंसर को देखें तो हमारा आंसर जो है वो ये हो जाएगा, मतलब ये वाला आंसर। तो सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। फिर आता है मिजोरम, फिर है सिक्किम और फिर हिमाचल प्रदेश। मतलब अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम, फिर उससे अधिक मिजोरम, उससे थोड़ी और अधिक सिक्किम, और इन चारों में सबसे अधिक जो है वो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे कि आप लोग सबको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। और मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय महामना, धन्यवाद।